हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ विम्पी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सजी धजी क्यों हुई हूँ। एक्चुअली क्या है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो गई है और हम सब गरबा इतना ज़्यादा खेलते हैं नवरात्रि के दिनों में, तो लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा मेकअप करें। अगर आपको मेकअप नहीं आता है करना, स्पेशली वो लोग जिनको मेकअप नहीं आता है करना, मेरी तरह, मतलब मुझे बिल्कुल भी मेकअप नहीं करना आता है, लेकिन ये मैंने ये सिंपल सा मेकअप लुक जो है क्रिएट किया है खास आपके लिए, स्पेशली वो लोग जो गरबा खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो ये जो मेकअप लुक है, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ और कुछ थोड़ा बहुत मेकअप भी मुझे करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने ये थोड़ा बहुत मेकअप जो आप देख रहे हो ये मैंने क्रिएट किया है। पता नहीं मुझे आपको कैसा लगेगा, लेकिन जैसा भी लगेगा प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया है और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाला जो बेल बटन आएगा उस पर भी क्लिक ज़रूर कीजिए, इससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव होती रहेंगी। तो चलिए जल्दी से हम देखेंगे ये मेकअप लुक ट्यूटोरियल। तो गाइज, इस मेकअप की शुरुआत मैं करूँगी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करके। एक्चुअली क्या है, इन दिनों मेरे जो लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें सबसे पहले तो मॉइस्चराइज कर लूँगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं अपने फेस को सबसे पहले तो मॉइस्चराइज करूँगी क्योंकि मॉइस्चराइज़र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे लिप्स हों चाहे वो हमारा फेस हो। और फेस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसे मॉइस्चराइज करके रखें क्योंकि इस पर पूरा मेकअप जो है टिका हुआ होगा। देन उसके बाद मैं अपनी आँखों से शुरू करूँगी, मतलब जब भी आप मेकअप करें अपने आईज से ही शुरुआत करें, क्योंकि क्या होता है जब भी हम अपनी आंखों पर मेकअप करते हैं उसके बाद बहुत सारा मेकअप जो होता है हमारे फेस के ऊपर गिर जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा अपना मेकअप जो है अपनी आईज से ही शुरू करना चाहिए। इसीलिए मैं अपनी आईज को प्राइम कर लूँगी। अगर आपके पास कोई प्राइमर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी इस तरीके का कंसीलर लेकर अपने आईज को प्राइम कर सकते हैं या उन्हें जो भी डार्क सर्कल्स हैं उन्हें हाइड कर सकते हैं। और अभी मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से, डैम ब्यूटी ब्लेंडर या स्पॉन्ज से इसे सारा ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। मैं इसे बिल्कुल भी मूव नहीं करूँगी, बस हल्का हल्का पैट करूँगी अपने आईज के ऊपर। और अब इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैं अपना कॉम्पैक्ट पाउडर जो है उसे यूज़ कर लूँगी। अगर आपके पास लूज पाउडर है या फिर बनाना पाउडर है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं इसे सेट करने के लिए। और अभी मैं शुरू करूँगी अपना आई मेकअप। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुझे आई शेडो जो है लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है। मुझे सच में नहीं पता मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मुझे आता है। आपको जैसा ठीक लगेगा आप अपने लिए शेड्स जो है वो चुन सकते हैं और अपना आई मेकअप जो है कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत ही कम मेकअप करना आता है, जो भी आता है वो बस आपके सामने है।
गाइस जब भी आप आई मेकअप करें आप इतना ध्यान रखें कि आप हमेशा लाइट से डार्क शेड पर आएं, डार्क से कभी भी आप लाइट शेड पर ना जाएं और हमेशा अपने आई मेकअप को अच्छे से ब्लेंड ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी हार्श एजेस जो हैं वो ना रहें। और अभी मैं अपनी वाटर लाइन पर जो है वो काजल अप्लाई कर रही हूँ। काजल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे लिए और हम सभी का एक्चुअली जो काजल है वो फेवरेट होता है। काजल के बिना कोई भी मेकअप बिल्कुल अधूरा है, इसलिए काजल को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अच्छे से अच्छा काजल जो है आप इस्तेमाल करें अपने आईज के लिए। और अभी मैं एलन ब्लू के मस्कारा के साथ अपने लैशेस को जो है वो कर्ल कर लूँगी। अगर आपके पास आईलैश कर्लर है तो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप अपने आईलैश कर्लर को ज़रा सावधानी से इस्तेमाल करें। अभी मैं अपना जो आईलाइनर है उसे ड्रॉ कर लूँगी। अगर आपका आईलाइनर के अंदर हाथ बहुत साफ़ है तो आप अच्छा सा एक विंग लाइनर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक सिंपल सा आईलाइनर जो है वो ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर आईज से तो मेकअप हो चुका है, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने फेस के मेकअप के साथ। फेस का जब भी आप मेकअप करें गाइज आप हमेशा प्राइमर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि प्राइमर जो है हमारे मेकअप और हमारी स्किन के बीच में एक दीवार का काम करता है। हमारे पोर्स को इससे कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचता, इसलिए आप हमेशा प्राइमर का इस्तेमाल सबसे पहले ज़रूर करें। और अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो फिर आप अच्छा सा कोई एलोवेरा जेल जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। जब भी आप फाउंडेशन इस्तेमाल करें आप हमेशा ध्यान रखें कि वो आपकी स्किन टोन से मैच करता हुआ ही होना चाहिए। और इसके बाद इसे लगाने के बाद मैं डैम्प स्पॉन्ज से अपना जो ये फाउंडेशन है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका फाउंडेशन अच्छे से कवरेज जो है वो नहीं दे रहा तो फिर आप डबल लेयर अपने फाउंडेशन की भी लगा सकते हैं, और लेकिन आप उसे अच्छे से ब्लेंड ज़रूर कीजिएगा, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करें चाहे आप ब्रश का इस्तेमाल करें। और अभी मैं एक कंसीलर के साथ अपना जो मेरे जो डार्क सर्कल्स वगैरह हैं उन्हें अच्छे से हाइड कर लूँगी। और उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर स्पॉन्ज से उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज आप चाहें तो आप कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं, आप हाइलाइटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल सा ही लुक जो है वो क्रिएट किया। इसके बाद मैं सिर्फ लगाऊंगी ब्लशर। इसके बाद मैं सिर्फ लगाऊंगी ब्लश जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। और अभी यहाँ पर मैं अपने मेकअप को एक फाइनल टच देने के लिए यहाँ पर एक लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो लिक्विड लिपस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है गाइस मेरा फाइनल लुक। और गाइस जो मैंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं वो सारे के सारे उनका नाम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं अपने लिए यूज़ किए हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने यूज़ किए हैं वही आपको करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उन्हें पिक करके अपने लिए ऐसा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं।